हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। हमारा जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हम कर रहे थे गुडविल ट्रीटमेंट। आज हम उस गुडविल ट्रीटमेंट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हम कर चुके हैं गुडविल ट्रीटमेंट के दो मेथड्स, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। तो स्टूडेंट, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और था जो हमें सीखना था कि समटाइम सम ऑफ ओल्ड पार्टनर मे गेन। तो इसमें हमारा टॉपिक कौन सा होगा, ओल्ड पार्टनर अगर गेन कर जाता है तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। समटाइम्स आवर ओल्ड पार्टनर मे ऑल्सो गेन शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो उसको एक एग्जांपल से करते हैं हम कि स्टूडेंट सपोज करो दो पार्टनर है एक्स और वाई इन रेशो 3:1, दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर, जेड पेस ₹30,000 फॉर गुडविल। जेड जो है अपने शेयर के लिए कितने दे रहा है गुडविल, 30,000। और इन्होंने डिसीजन लिया कि दे डिसाइडेड कि दे शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इसका मतलब जेड कितने शेयर के लिए आया है, जेड आया है 1/3 शेयर के। तो स्टूडेंट्स इसमें देखते हैं हम कैसे क्या करेंगे। तो जैसे ही हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे एक्स के लिए 3/4 - 1/3, 12 LCM आ गया, 9 - 4, 5/12 सेक्रीफाइस ही कर रहा है, वाई 1/4 - 1/3 एलसीएम 12, 3 - 4 - 1/12 मीन्स वाई क्या कर रहा है, वाई स्टूडेंट्स कर रहा है गेन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम एंट्री कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में, और दिस इज एन क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ टीएस गरेवाल। ये क्वेश्चन आपका कौन सा है, 24 क्वेश्चन है टीएस गरेवाल में। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें वाई का शेयर निकालना होगा गुडविल में। कैसे, पहले निकालेंगे हम फर्म्स गुडविल जो कि किसके बेस पे निकालेंगे, y के बेस पे, क्योंकि z के बेस पे, z 30,000 पे कर रहा है किसके लिए, 1/3 शेयर के लिए। तो पूरी फर्म की गुडविल होगी 30,000 × 3/1, क्योंकि 1/3 शेयर अगर 30,000 है तो पूरी फर्म की गुडविल आएगी हमारी कितनी, 90,000। और फिर हम निकालेंगे y शेयर, y का शेयर कितना होगा गुडविल का, क्योंकि उसे भी कंपनसेट करना होगा, y का शेयर आएगा स्टूडेंट 7500। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं गेनिंग पार्टनर हमेशा क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स ऑलवेज कंपनसेट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो इस क्वेश्चन में z गेन कर रहा है जिसका शेयर 30,000 है, y भी गेन कर रहा था 1/12, हमने पूरी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करके उसका शेयर निकाल दिया, और अकेला ओनली सिंगल x जो है वो कर रहा है सेक्रीफाइस। तो इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी स्टूडेंट्स, इसकी जनरल एंट्री में सबसे पहले एंट्री तो हम करेंगे ब्रिंगिंग की एंट्री, जो एंट्री हमारी ब्रिंगिंग की थी, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये किसके लिए करेंगे एंट्री, ये एंट्री कर रहे हैं हम जेड के लिए, क्योंकि जेड ने 30,000 रुपीज पे कर रहा है कैश में गुडविल के लिए। एंड सेकेंड एंट्री गुडविल ट्रीटमेंट की प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जो जेड ने पे करे, उसके बाद वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि वाई भी गेन कर रहा है कितने रुपए से, 7500 रुपीज टू एक्स कैपिटल अकाउंट 37,500। तो स्टूडेंट्स एक चीज हमने यहां से एक नई चीज सीखी
कि अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में चैप्टर में अगर कोई पुराना पार्टनर भी क्या कर जाता है, गेन कर जाता है, तो इसका मतलब वो भी कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को एज अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। इस क्वेश्चन में करना क्या है, अगर पहले से फॉर्म की गुडविल गिवन है तो देन आप उस गुडविल से उसका शेयर निकाल लो, और अगर गिवन नहीं है तो न्यू पार्टनर के शेयर और उसकी गुडविल की हेल्प से आप पहले टोटल गुडविल कैलकुलेट करो, देन उसका शेयर निकालो। और सेकंड एंट्री, जब हम गुडविल के ट्रीटमेंट की सेकंड एंट्री या मेन एंट्री करते हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ साथ गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा, किस अमाउंट से, जितना अमाउंट वो गेन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ टीएस ग्रेवाल, एंड इसका टॉपिक का नाम था समटाइम्स आवर ओल्ड पार्टनर में ऑल्सो गेन, अगर ओल्ड पार्टनर भी गेन करता है तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम बढ़ाते हैं हमारे टॉपिक को आगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अभी तक तो हमने कौन सा सीखा था कि पार्टनर अपनी गुडविल के शेयर को कैश में लाता है या फिर वो करंट्स में लाता है। आज हम सीखेंगे कौन सा, कि पार्टनर या तो अपने गुडविल के शेयर को लेके ही नहीं आता है, पार्टनर या तो अपने गुडविल के शेयर को लाने के कैपेबल ही नहीं है, या फिर वो पार्टली शेयर लेके आता है। तो दोनों दो टाइप के टॉपिक हम करेंगे अभी। When new partner bring part of his share, कि वो अपने गुडविल के सिर्फ एक पार्ट को ही, कुछ पार्ट को लाता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए उसकी गुडविल का शेयर था 40,000, वो सिर्फ लेके आया 30,000 या 12,000। और एक केस हम सीखेंगे, When new partner does not bring his share in cash, when new partner does not bring his share in cash, कि वो अपने गुडविल के शेयर को कैश में नहीं लेके आता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें एंट्री क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स पहले हम does not bring वाली करते हैं। तो does not bring वाली में जो सबसे पहले एंट्री मैंने बताई थी आपको bring in की, अब इस क्वेश्चन में क्या है, वो गुडविल तो लाएगा ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन ने पहले से ही मना कर दिया कि गुडविल वो कैश नहीं ला रहा है, लेकिन वो क्या ला सकता है, ही मे ब्रिंग कैपिटल। तो एंट्री होगी यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक ऑप्शनल एंट्री है, जरूरी नहीं है, होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो कैपिटल लाएगा तो ही करनी है, अदरवाइज जब वो गुडविल का शेयर ला ही नहीं रहा है तो ब्रिंगिंग की एंट्री होगी ही नहीं। सेकंड एंट्री होगी हम करते थे किस चीज की, गुडविल ट्रीटमेंट की। गुडविल ट्रीटमेंट में स्टूडेंट्स सब देखो, वो पैसे तो कैश नहीं लाया तो कैसे एंट्री होगी, तो अगर कोई पार्टनर पैसे कैश नहीं लाता है तो हम एंट्री उसके करंट अकाउंट से पास करते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वही सेम इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, लेकिन अब इसमें क्या डेबिट होगा, क्या आएगा, तो जो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट होगा क्या होगा, हिज शेयर, जो भी उसका शेयर है, जितना भी शेयर है उसका न्यू पार्टनर का, वही हमें क्या करना है, वही डेबिट करेंगे हम, कि जितने पार्टनर्स के लिए वो शेयर आए। कैसे निकालेंगे, टोटल गुडविल इनटू हिज शेयर। सपोज करो फर्म की गुडविल है 1,00,000 रुपए और नया पार्टनर आया 1/4 के लिए, तो 1,00,000 रुपीज का 1/4 वो सिर्फ 25,000 से ही उसको डेबिट हम करेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम किसकी, कि वेन न्यू पार्टनर ब्रिंग पार्ट ऑफ हिज शेयर, मतलब वो ला रहा है लेकिन सफिशियंट शेयर नहीं ला रहा है। तो पहली एंट्री वही, जितना भी वो ला रहा है, ब्रिंग इन की। अब ब्रिंग इन में मैंने बताया था दोनों चीज वो ब्रिंग कर सकता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट जो भी पैसे वो ब्रिंग कर रहा है टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी वो कैपिटल ला रहा है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्रीमियम फॉर गुडविल में आपको सिर्फ वही पार्ट लिखना है जितना वो लेके आ रहा है, और उसके बाद गुडविल ट्रीटमेंट की जो एंट्री होगी हमारी
गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल जितने भी पैसे वो कैश ले आया उसको लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जो क्या कर चुका है वो, जो भी पार्ट ब्रीक कर चुका है, और न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट नॉट ब्रीक वाला पार्ट जो वो नहीं ब्रीक कर पाया, टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेम ये पैसा जो भी है वो किस रेशियो में बटेगा, इन सैक्रिफाइजिंग रेशियो। तो स्टूडेंट बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले हमने टॉपिक सीखा कि व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, सेकंड आया फिर हमारा व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर इन काइंड, फिर थर्ड टॉपिक आया हमारा कि व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर इन कैश, वो ला ही नहीं रहा। और जो ये वाला केस है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे का मिक्सचर है कि अगर गुडविल कैश लाता है और कैश नहीं लाता है, लेकिन इसमें क्या है कि वो कैश तो ला रहा है लेकिन अपना पूरा शेयर कैश में नहीं ला रहा है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पूरे कंप्लीटली गुडविल ट्रीटमेंट। अब गुडविल ट्रीटमेंट के लिए आपके जो टॉपिक थे चार टाइप्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, सेकंड व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और कैपिटल इन काइंड, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग पार्ट ऑफ हिज शेयर, वो अपने शेयर का सिर्फ पार्ट ही ब्रिंग करता है। फिर बात है विड्रॉन की, विड्रॉन स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन में बोल रखा है वो एंट्री जैसे कि हमने इसे प्रीवियस वीडियो में सिखाई थी उसी की तरह वो हमारी जो होगी स्टूडेंट्स। तो इसके बाद एक हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक जो इस वीडियो में हम करेंगे वो करेंगे स्टूडेंट्स हम किस चीज के ऊपर, हिडन गुडविल के ऊपर। तो हिडन गुडविल कई बार क्या होता है क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं होती है, तो वो हिडन होती है उसको हम कैसे निकालते हैं अब हम सीखेंगे हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सिंपल है, हिडन गुडविल को निकालने के लिए आपको कैपिटल्स की जरूरत होगी, जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल्स की जरूरत होगी, और उनकी कैपिटल की हेल्प से सिंपली और बहुत ही इजीली हम हिडन गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, हिडन गुडविल के लिए स्टूडेंट्स बिल्कुल बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया है कि यहां पर कैपिटल्स का रोल है, कैपिटल हमें जरूरी होती है। तो इसमें सबसे पहले हमारा मेन काम क्या है कि मान लो हम ले लेते हैं कि एक्स वाई दो पार्टनर थे 2:1 में, एक्स और वाई दो पार्टनर थे 2:1 में, और एक्स की कैपिटल थी 1,00,000 रुपीज और वाई की कैपिटल थी 80,000 रुपीज। दे एडमिट जेड फॉर 1/4 शेयर, दे एडमिट जेड फॉर 1/4 शेयर, उन्होंने जेड को एडमिट किया है नया पार्टनर कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। अब 1/4 शेयर के लिए जेड आ रहा है हमारी फर्म में, और जेड की गुडविल की शेयर देने की जगह पे जेड का हमने क्वेश्चन ने गिवन कर दिया कि जेड पे रुपीज 1,00,000, मींस वो कैपिटल कितनी दे रहा है, उसकी कैपिटल का अमाउंट दे दिया कि ही इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ रुपीज 1,00,000। तो और इसमें कर दिया कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल। अब यहां पर बात आती है कि क्वेश्चन में गुडविल क्या होगी हमारी, तो गुडविल का माइंड आ गया कि कंफ्यूजन की गुडविल कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर गुडविल निकालेंगे हम हिडन गुडविल मेथड से। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप वन टोटल कैपिटल, क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, टोटल कैपिटल, जो कि बहुत ही इजी है क्योंकि जेड है, जेड क्या कर रहा है 1/4 के इक्वल कितनी कैपिटल ला रहा है, 1,00,000 कैपिटल इज इक्वल फॉर 1/4 शेयर। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, रेसिप्रोकल शेयर कर देंगे इसका हम, जैसे इसका रेसिप्रोकल शेयर करेंगे तो कैपिटल आ जाएगी हमारे पास टोटल कैपिटल फर्म की कितनी, 4,00,000। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टेप वन में टोटल कैपिटल निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद स्टेप टू में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टेप टू में आपको टोटल कैपिटल में से सभी पार्टनर्स की कैपिटल को लेस करना है। अब टोटल कैपिटल कितनी है हमारी, 4,00,000, इसमें से माइनस करनी है लेस
कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। अब न्यू पार्टनर समेत कितनी थी, 1,80,180 और 280। तो ये आ गई हमारी स्टूडेंट्स कितनी, 2,80,000 एक्स वाई जेड तीनों ही कैपिटल मिलाकर। और जैसे ही मैंने इसको इसमें से माइनस किया कितना आ गया हमारा, 1,20,000। तो इस क्वेश्चन में हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 1,20,000। तो ये हमने निकाली है किस मेथड से, हिडन गुडविल मेथड से। और जेड का शेयर कितना आएगा गुडविल का, जेड का शेयर अगर आपको निकालना है तो जेड का शेयर गुडविल का होगा 1,20,000 पूरी फर्म की है, और जेड कितने शेयर के लिए आया, 1/4 के लिए, तो जेड का शेयर आ जाएगा 30,000। जेड का शेयर है हमारा गुडविल में कितना स्टूडेंट्स, 30,000। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा हिडन गुडविल। हिडन गुडविल मेथड में गुडविल निकालना बहुत ही सिंपल है, नए पार्टनर के शेयर और उसकी कैपिटल से, उसके कैपिटल को उसके रेसिप्रोकल शेयर से मल्टीप्लाई करो, जिससे आप निकालोगे टोटल कैपिटल, और उस टोटल कैपिटल में से पुराने पार्टनर्स की इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर की कैपिटल को माइनस कर दो, तो आप क्या कर लोगे, यू विल फाउंड योर हिडन गुडविल। और वो हिडन गुडविल पूरी फर्म की गुडविल है वो, और देन उसमें न्यू पार्टनर का शेयर निकालना है तो उसके शेयर से उसकी मल्टीप्लाई करके आप उसका शेयर निकाल सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर भी एक क्लू है, यहां पर क्लू क्या है कि अगर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, तो आपको इसको भी ऐड करना है किसमें, कैपिटल में। इसे भी आपको कैपिटल में क्या करना है, मैं यहां पर एक टेबल लिख रहा हूं, उस टेबल को भी आपको क्या करना है, उस गुडविल को कैलकुलेट करते टाइम ऐड करना है। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये नेगेटिव होगा, और इसके अलावा हमारा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट नेगेटिव है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट पॉजिटिव है, और अगर रीवैल्यूएशन लॉस की बात करें स्टूडेंट्स तो हमारा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसके बाद ये सारी चीजें भी ओवरऑल नेट इफेक्ट करके, ओवरऑल नेट इफेक्ट करके इन्हें भी आपको माइनस करना है किसके साथ, जोड़कर इनकी कैपिटल के साथ। इसका मतलब क्योंकि बिकॉज दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ कैपिटल। जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन में ले लेता हूं, कि सपोज करो इस क्वेश्चन में बोल रखा था कि हमारी जो क्या कहते हैं जनरल रिजर्व है वो है 20,000 रुपए। जनरल रिजर्व कितना है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में, 20,000 रुपए। तो आप यहां पर कैपिटल हमने फाइंड आउट की 1,00,000 रुपए एक्स की, 80,000 रुपीज वाई की, 1,00,000 जेड की। कैपिटल तो कितनी होगी, 280 प्लस 20,000 जनरल रिजर्व। तो यहां पर आप माइनस 2,00,000 की जगह पे करोगे, 280 की जगह करोगे 3,00,000, और आपकी जो गुडविल आएगी वो आएगी रुपीज 1,00,000। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक हिडन गुडविल का। इसके बाद आपका जो भी जो टॉपिक है हमारा गुडविल ट्रीटमेंट से रिलेटेड, वो सारा का सारा इस चैप्टर का हो जाता है कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चंस की, अब इस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की, और जो भी कोई डाउट है वो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।